सबको नमस्कार, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। कोल मिनिस्ट्री के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सेक्रेटरी कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री विक्रम देव दत्त जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती भूपेंद्र बार जी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री मुकुल मोदी जी और अन्य सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कोल मिनिस्ट्री एंड अदर ऑल डिविजन्स, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी एंटरप्रेन्योर्स, कुछ मीडिया मित्र हैं, कमर्शियल कोल ब्लॉक की एक्शन 11th राउंड के शुभारंभ पर हमारे साथ उपस्थित होने के लिए आप सब लोगों को मैं मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। भारत की बढ़ते हुए आर्थिक स्थिति और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इकॉनमी, ग्रोइंग इकॉनमी के लिए कोल सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज भी भारत की 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल के द्वारा आज भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा देश में स्टील हो, सीमेंट और अलग अलग सेक्टर के इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, प्रमुख इंडस्ट्रीज को भी कोल बहुत बड़ा जरूरत भी है। इस वर्ष देश ने 11.65% वृद्धि के साथ आज कोल प्रोडक्शन 997 मेट्रिक टन का उत्पादन किया है। इस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक हमारा एक्सपेक्टेशन है, टारगेट भी है 1080 मेट्रिक टन का। आप सब लोगों का सहयोग से हम अचीव करेंगे, हमारा विश्वास है। कैप्टिव माइंस हो, कमर्शियल कोल माइंस हो, उससे लगभग 170 मेट्रिक टन का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस साल। प्रत्येक इस अपॉर्चुनिटीज के साथ हम अपनी पावर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए और तथा इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का पीएसयूस भी हो, कमर्शियल सेक्टर के सभी एंटरप्रेन्योर्स भी हो, हम सब मिलकर काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी का आज बढ़ते हुए डिमांड पूरा करने के लिए, थर्मल पावर के लिए जो कोल जितने भी हमारा डिपेंडेबल है, उस टारगेट को दिन दिन आज बढ़ रही है। इसके लिए कोल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट करना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कुछ देश में पावर ग्रिड कोलैप्स होने के कारण उस कंट्रीज में पूरा कोई घर से भी बाहर नहीं निकल रहे, ये स्थिति है। इसीलिए अगर पावर चाहिए, बिल्कुल उससे पहले कोल चाहिए। कोल के बिना पावर नहीं है, पावर के बिना जिंदगी भी नहीं। इसलिए हम पूर्ण रूप से कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम मिलकर प्रयास करना चाहिए। कमर्शियल कोल माइंस डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कमर्शियल कोल माइंस के द्वारा देश में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जो आज का देश का पुकार है रोजगार, रोजगार भी बढ़ेगा और स्पेशली कोल बोरिंग स्टेट्स को सामाजिक और आर्थिक लाभ होने वाला है कोल के द्वारा। मैं देखते रहता हूँ ओडिशा में हर साल लगभग 40,000 to 50,000 रेवेन्यू ओडिशा में एक कोल के द्वारा, माइनिंग सेक्टर के द्वारा उस स्टेट्स को आते हैं। इसलिए स्टेट्स को भी हम आर्थिक स्थिति से, रोजगार के स्थिति से उस स्टेट्स को भी एंकरेज करना चाहिए, शक्ति बनाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कोल सेक्टर में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं। आज हमारे सामने दिखते हैं जो रिफॉर्म्स 2014 के बाद भारत में लाए गए हैं, उसका अपने आंखों के सामने और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं।
10 एक्शन राउंड्स सक्सेसफुली कंप्लीट करके आज लगभग 113 कोल माइंस का ऑक्शंस का आज आपके सामने रखने वाले हैं। इन माइंस में चालू होने पर जो आज का ऑक्शन में है, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं लगभग मोर देन 38,000 का इन्वेस्टमेंट्स इस 113 कोल माइंस में होने वाला है, और उसके साथ साथ लगभग 3.5 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। कमर्शियल कोल माइनर्स का ऑपरेशंस तेजी गति से शुरू होना चाहिए और एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने में आप सब लोगों का हम मदद चाहते हैं। आज कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट 2030, उसके लिए भी भारत सरकार एक नया पॉलिसी लाए हैं। 8,500 करोड़ का इस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट 2030 100 मिलियन टन का प्रोडक्शन का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें अर्ली प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स भी प्रदान किया जाएगा। कुकिंग कोल मिशन का टारगेट 2029-30 तक उत्पादन को लगभग 140 मिलियन टन का हम टारगेट आपके सामने रखने वाले हैं। कोल एवैक्यूएशन रेलवे प्रोजेक्ट और 103 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी पूरा तरह लाइनअप में है। एक्शन प्रोसेस में निरंतर सुधार हम कर रहे हैं, जिसमें रिवाइज्ड अनफ्रंट अमाउंट्स, रेस्यू रिड्यूस्ड बिड सिक्योरिटी, और बिड सिक्योरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर सिस्टम और रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर सिस्टम को उस एक्सेप्टेंस की किया है। मुझे इस एक्शंस के 10th ट्रांच के हम कई फर्स्ट टाइम बिडर्स भी आज दिए। अभी अभी हमारा एडिशनल सेक्रेटरी बोले थे, पहली बार बिड में पार्टिसिपेट हुआ, सक्सेसफुल बिडर बनकर आए। आज हम 27 कोल ब्लॉक्स की एक्शन प्रोसेस का आज शुभारंभ करने वाले हैं। कमर्शियल कोल ब्लॉक्स का एक्शंस का आज सफलता होगा, और हम विश्वास है कि आने वाले समय में भी निरंतर कोल ब्लॉक्स का एक्शन चलने वाला है। मैं आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, इस एक्शंस में उत्साहपूर्वक आप लोग भाग लेना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्धारित भारत के विजन में अपना आप सब लोग योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत को एनर्जी फ्यूचर का सुरक्षित करेंगे, देश को विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी हमारे कोल सेक्टर का इकॉनमी बनाने में भी हम पूरा योगदान देंगे। आज भारत सरकार का यही लक्ष्य है, जो आज बढ़ते हुए डिमांड कोल सेक्टर का हो, सीमेंट सेक्टर का हो और पावर सेक्टर का हो, स्टील सेक्टर का हो, जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आज देश के सामने अलग अलग तरीके से पावर जनरेशन हो रहे, मगर उसको समय लगेगा। कम समय में आज थर्मल के द्वारा ही हम इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं।
इसलिए आने वाले दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, हम जितना कम हो सकते तो उतना कम जो इंपोर्ट कोल लाना चाहिए। जो इंपोर्ट कोल आज लाके पावर जनरेशन कर रहे हैं, कुछ जगह स्टील भी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उस लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं मैं, जो आपका टेक्नोलॉजी है इंपोर्टेड कोल आधारित पर जो स्टील प्रोडक्शन करें, उसको डोमेस्टिक कोल के आधार पर स्टील जनरेशन का प्रोडक्शन करने का उसका टेक्नोलॉजी बदलना चाहिए। हमारा सामने चैलेंज है, आपके सामने भी चैलेंज है, मगर इस चैलेंज को हम स्वागत करना चाहिए, चैलेंज को लेना चाहिए। जो जितने भी इंपोर्टेड कोल के द्वारा स्टील प्रोडक्शन कर रहे, आने वाले दिन में स्टेप वाइज फेस्ड मैनर उसको डोमेस्टिक कोल के आधार पर कोल प्रोडक्शन करने का, स्टील प्रोडक्शन करने का जो टेक्नोलॉजी बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। वैसा ही जो हमारे साथ जो अग्रीमेंट जितने भी किया है, अभी बोल रहे 9th कोल ब्लॉक मिला है एक कंपनी को, मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करता हूं, भले हमारा जो MOU में नहीं तो जो ऑक्शन में जो नाम्स है आपको 5 साल 7 साल दिया होगा, मगर आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी कोल प्रोडक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार की तरफ से जितने भी क्लियरेंसेस होगा, उस क्लियरेंसेस के बारे में भी हम पूरा आपके साथ है, जो भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से हो, नहीं तो जो कनेक्टिविटी के संबंध के विषय पर भी हो, लैंड एक्विजिशन के संबंध के विषय पर भी हो, हम पूरा आप लोगों को सहयोग देंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से, हम मिलकर एक कोल परिवार के नाते आज हम एक मिलकर कोल प्रोडक्शन का जितना जल्दी हो सकता है जो अपने अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जो 2025 एंड तक कोल प्रोडक्शन कितना बढ़ना चाहिए, 26 एंड तक कितना बढ़ना चाहिए, आप लोगों के आधार पर, आप लोगों के मेहनत के आधार पर ही बढ़ेगा। हमारा तरफ से भी जितने भी हमारा PSUs है, कोल इंडिया के द्वारा हो, सिंगरेनी हो, नैवेली हो, हम उसका आधार पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरफ कोल प्रोडक्शन करना चाहिए, दूसरे तरफ हमारा देश का नीड्स है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम मिलकर काम करेंगे। जितने भी आज ब्लॉक्स मिला है सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। कल सुबह से ही आप लोग काम शुरू करना चाहिए और कल सुबह से ही जो ऑक्शन में लगा है उसमें बिडिंग करने के लिए आगे आना चाहिए। आप सब लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, इट्स एन ऑनर टू लिसन टू यू एंड थैंक यू।